नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बीनूज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दिवरी जनपद में लगातार डीएम अमित किशोर और एसपी डॉक्टर श्रीपद मिश्रा द्वारा लगातार लोगों के पास जाकर लोगों को माइक द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना जैसी घातक बीमारी बुलेट की रफ्तार से भी ज्यादा तेज फैल रही है। इसको देखते हुए लोगों को लगातार अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहें। लेकिन आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों के लोगों में अभी तक उन्हें समझ में नहीं आया है कि कोरोना जैसी घातक बीमारी क्या चीज है। अभी भी लोग अपने घरों से बाहर घूम रहे हैं। ज्यादातर ग्रामीणों में देखा जा रहा है कि दो तीन लोग इकट्ठे होकर बात भी करते दिखे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना जैसी बीमारी घातक बीमारी है, इनसे बचा जाए। मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना जैसी घातक बीमारी से आप बचें, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि पल भर में आपको अपनी चपेट में ले सकती है और आपके पूरे परिवार को अपने चपेट में ले सकती है। जैसे कि अन्य देशों में आपने न्यूज के जरिए देखा होगा कि लोगों की कितनी बुरी हालत है, मेडिकल स्टॉफ भी इस पर परेशान हो चुकी है। लोगों को इलाज करने के लिए बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों की इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, लोगों को घरों में रहते रहते लोगों की डेड हो जा रही है। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप भी इस सावधानी से बरते, हो सके तो अपने घर में अपनी फैमिली मेंबर से भी दूरी मेंटेन रखें, क्योंकि क्या पता क्या हो, लेकिन भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन फिर भी आप अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर कहीं निकल भी रहे हैं तो इसका पूरा ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई व्यक्ति ना हो, आप किसी की साथ नहीं हो, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को अपने खेतों में जाना होता है, खेतों के काम भी करने होते हैं, क्योंकि अगर खेती नहीं होगी तो हम अन्न नहीं होगा तो कोई जी नहीं सकता है। इससे ग्रामीण इलाके में जो किसान है उनसे भी जैसे कि वह दूरी मेंटेन रखे और अपने खेतों में जाना है तो दूर 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 से ही काम करें, पास पास काम ना करें। तो आपसे यही भी न्यूज की गुजारिश है कि आप जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा हैं, कई जगह देवरी जिले में देखा गया है कि युवा अपने मनोरंजन के लिए क्रिकेट अन्य खेल का आयोजन कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इसीलिए लॉकडाउन नहीं हुआ है कि आप खेले और मौज मस्ती करें, क्योंकि लॉकडाउन इसलिए हुआ कि आप घरों में रहें और किसी व्यक्ति से किसी की संपर्क ना हो। तो हो सकता है कि जो कोरोना वायरस है, जब किसी की साथ नहीं मिलेगा तो कोई भी उसके चपेट में नहीं आएगा। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए आप ये कदम उठा सकते हैं और अपने घरों में रह सकते हैं। तो आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी मात्र एक व्यक्ति से बीमारी पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले ली। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे वर्ल्ड लीडर इस बीमारी से पूरी तरह से ग्रस्त हो चुका है। तो आप सावधान रहें, क्योंकि भारत में आप जानते भी हैं कि भारत में अस्पताल कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं। अगर भारत में महामारी जोर पकड़ लेती है तो आप सोच सकते हैं कि हम भारतवासियों की क्या बुरी हालत होगी। उससे पहले आप सावधान रहें। इसीलिए सरकार अपनी एक दिन में लाखों करोड़ों की घाटा सहकर रेलवे यातायात सभी सरकारी सेवाएं बंद कर दी है जिनकी जरूरत आपातकालीन के समय नहीं है। जैसे पुलिस फोर्स चालू है, अब कार्गो विमान और मालगाड़ी की आवागमन चालू है, ट्रांसपोर्ट सेवा चालू है कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, खाने पीने की दिक्कत ना हो। तो आप भी सुरक्षित रहिए और सरकार की सपोर्ट करिए, अपना सपोर्ट करिए, अपने जीवन के लिए अपने घरों में रहिए। 21 दिन अगर आप घर में रह जाते हैं और 19 दिन बचा हुआ, अगर 19 दिन और अपने घर में रह जाते हैं तो आपकी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे, इससे बड़ा कोई योगदान नहीं होगा। इस समय आपको बता दें कि नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, बहुत लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, सबसे बड़ा धर्म है कि लोगों की जीवन की रक्षा करें। अगर लोगों की जीवन की रक्षा करेंगे तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होगा। आपको बता दें कि नवरात्रि के त्योहारों में लोग घरों से निकलकर मंदिरों में जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपने घरों में ही माँ दुर्गे की पूजा आप पाठ करें, अपने दुआ मांगे, लोगों से सुरक्षित रहने की अपील भी करें और भगवान से कहें कि भगवान सबको सलामत रखे और अपने घरों में रहें, अपने घरों में माँ दुर्गा की पूजा करें, क्योंकि इससे आप किसी के टचअप में नहीं आएंगे तो हो सकता है कि आप सुरक्षित हैं और दूसरों की भी सुरक्षित रखेंगे। मिलते हैं फिर एक नई इसी तरह के खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।